हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटर? क्वाड्रिलेटर ये एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है। क्वाड्रिलेटर वर्ड में क्वाड का मतलब होता है फोर एंड लेटरल का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, सिक्स टाइप्स के क्वाड्रिलेटर होते हैं। फर्स्ट पैरेललोग्राम, सेकंड स्क्वायर, थर्ड रेक्टेंगल, फोर रोम्बस, फिफ्थ वन ए ट्रेपेजियम एंड लास्ट सिक्स वन इज अ काइट। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। इस क्वाड्रिलेटर एबीसीडी में हम देख सकते हैं साइड ए बी पैरेलल टू अपोजिट साइड सी डी एंड साइड बी सी पैरेलल टू अपोजिट साइड ए डी एंड साइड ए बी इक्वल टू अपोजिट साइड सी डी एंड साइड बी सी इज इक्वल टू अपोजिट साइड ए डी। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू अपोजिट एंगल डी। स्क्वेयर, स्क्वेयर यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इस क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में हम देख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी डी इज इक्वल टू साइड ए डी। स्क्वेयर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि ऐसे पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में हम देख सकते हैं एंगल ए बी सी एंड डी सभी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये चारों एंगल इक्वल है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। इट मीन्स साइड ए बी पैरेलल टू अपोजिट साइड सी डी एंड साइड ए डी पैरेलल टू अपोजिट साइड बी सी एंड साइड ए बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड सी डी एंड साइड ए डी इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी सी। रोम्बस, रोम्बस यानी कि ऐसे पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस ए बी सी डी में हम देख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी डी इज इक्वल टू साइड ए डी। रोम्बस ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इट मीन्स साइड ए बी पैरेलल टू अपोजिट साइड सी डी एंड साइड ए डी इज पैरेलल टू अपोजिट साइड बी सी और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू अपोजिट एंगल डी। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इस ट्रेपेजियम ए बी सी डी में हम देख सकते हैं साइड ए बी पैरेलल टू अपोजिट साइड बी सी। काइट, काइट यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटर जिसके टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। इस काइट के फिगर में हम देख सकते हैं साइड ए बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए डी एंड साइड बी सी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डी सी। काइट ये दो आइसोसेल्स ट्रायंगल से बना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस काइट ए बी सी डी का कॉमन बेस बी डी है। ये फर्स्ट आइसोसेल्स ट्रायंगल है एंड ये सेकंड आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इन दो आइसोसेल ट्रायंगल से इस काइट की फिगर बनी हुई है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही।